अभी है। हाँ जी, अभी आपको सर ने काफी सारी गाइडेंस दी है ना, रिगार्डिंग हाउ यू हैव टू ड्रेस अप एंड एवरी अदर थिंग। अब उसके रिगार्डिंग तो आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे, तो ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग हम आपको बता चुके हैं। फीमेल्स शुड वेयर अ साड़ी प्रेफरेबली, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो सूट्स, ठीक है, वेरी सिंपल सॉबर सूट्स। एंड मेल्स ऑफ कोर्स द सेट सूट, एंड उसके अंदर भी सर बता चुके हैं आपको उनके फेवरेट ऑक्सफोर्ड शूज, ठीक है, वो पहनने हैं आप लोगों ने फॉर बॉयज़। एंड फॉर गर्ल्स दिस सिंपल फ्लैट बेलीज, विच शुड नॉट हैव एनी नॉइज, ठीक है। अब उसके बाद ये तो चलो होगी आपके ड्रेस की। द मोमेंट यू एंटर आपने ये देखना है कि आपको उनको विश कैसे करना है, ग्रीट कैसे करना, बता दिया सर ने, ठीक है, मैं भी बता दूं थोड़ा सा। तो जब आप ग्रीट करोगे उन लोगों को, तो आप लोगों ने देखना है कि मेंबर्स, ठीक है, आइदर यू कैन विश देम पर्सनली, अदरवाइज आप बोर्ड टू द ऑनरेबल बोर्ड, वॉट एवर इज द टाइम, आफ्टरनून मॉर्निंग इवनिंग, आप वैसे उनको विश करो, ठीक है। तो यू हैव टू बो डाउन एंड टिल द टाइम वो आपको ना कहें बैठने को, आप बैठना नहीं, ठीक है, आपने बैठना नहीं है। जब वो बोलेंगे तब आप बैठोगे आराम से। यू हैव टू सिट स्ट्रेट, नो क्रॉसिंग ऑफ लेग्स, नो शेकिंग ऑफ योर हैंड्स, नथिंग, स्ट्रेट हैंड्स रहेंगे आपके, ऐसे रखोगे आप। एंड उसके बाद आपकी फिंगर्स या ऐसा कुछ भी ऐसे मूव नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट शोज योर नर्वसनेस, ये आपने वहां पे जाके नहीं करना। नर्वसनेस जो है आपकी, वो वैसे भी आपके फेस पे एग्जिबिटेड रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो वहां से वो जज कर लेंगे आपको। अब आती है बात आपके क्वेश्चंस की, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर पहले तो आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन अपनी तैयार करनी है कि आपने क्या किया है, आप कहाँ से हो, और जहाँ से भी आप हो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कब वो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ था, अगर हरियाणा से ही हो तो और ज़्यादा आप टेक्निकल रहना, कब हरियाणा का जो है डिवीज़न हुआ था, उससे पहले कितनी स्टेट्स थी, और हरियाणा के साथ पंजाब के साथ क्या हिमाचल भी था जब यहाँ पे डिवीज़न हुआ, ये सब भी आपने देखना। फिर आपकी फर्स्ट हरियाणा के रिगार्डिंग स्टैटिक जीके, हु वॉज द फर्स्ट सीएम एंड एवरीथिंग, ठीक है, जो भी फर्स्ट रहा होगा। उसके बाद जो प्रेजेंट आपके चल रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स पिछले 6 महीने की जो लॉन्च हुई होंगी, वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की हैं। वो उसके साथ साथ कोई ऐसी जजमेंट्स जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, कोई हरियाणा गवर्नमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट होगी, तो जिस दिन तक आपका इंटरव्यू है उस दिन तक का न्यूज़पेपर पढ़ के जाना ही जाना है, बिकॉज दे आर वेरी मच कीन टू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडेज करंट अफेयर। सपोज इफ यू हैव योर इंटरव्यू ऑन 28th, तो 28th का न्यूज़पेपर आपके पास होना चाहिए। तेरा कब है अमन? 22, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए और आप वेल वर्स्ड हो गए अपने न्यूज़पेपर के साथ ना। वहां पे एक्सेसिवली आप नॉर्मल हो सकते हो, उनके साथ कैजुअल नहीं हो सकते, इवन दो इफ दे ट्राई टू बी, एंड इफ दे ट्राई टू मेक यू वेरी मच कैजुअल, तब भी कैजुअल नहीं होना उनके साथ, बी वेरी फॉर्मल विद देम। दूसरी चीज, आपने क्वेश्चंस को ज्यादा स्ट्रेंथ दे के इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना, समझ रहे, एक तो स्ट्रेंथ दोगे लेकिन स्ट्रेच मत करना उसको कि वो आपसे काउंटर क्वेश्चंस पूछे उसी के ऊपर। बी वेरी कंसाइज एंड प्रिसाइज रिगार्डिंग वॉट यू आर आंसरिंग एंड वॉट दे आर एक्सपेक्टिंग। सपोज इफ दे आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, यू शुड स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर इट इन वन लाइन ओनली और मे बी टू लाइन्स, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। डॉक्ट्रीन्स के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस ज्यादा रहता है उनका हर बार, चाहे वो हरियाणा है चाहे वो पंजाब है, आप उनकी डॉक्ट्रीन्स पे फोकस करिएगा प्लीज। और जितनी भी डॉक्ट्रीन्स या उससे रिलेटेड जितने भी रीसेंट केसेस आए हैं या वट एवर हैज बीन हेल्ड इन द अर्लियर केसेस, लाइक वाइज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी डॉक्ट्रीन्स के बारे में इनकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। बट देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट वेरी इन अ वेरी ईजी मैनर ताकि कोई काउंटर क्वेश्चन ना आए। एंड वहां जाके ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक मत बन जाना कि जी हमारा तो फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो आपके बहुत लेंदी वाले ले लो, कोई भी, मे बी सीआरपीसी, मे बी क्रिमिनल लॉ ही कह दो, तो क्रिमिनल लॉ इज माय फेवरेट,
वो कहेंगे आ जाओ. क्रिमिनल लॉ मीन्स आईपीसी एविडेंस सीआरपीसी एंड द अदर रिलेटेड सेक्शंस एंड स्टैट्यूट्स दैट आर पॉक्सो, ठीक है, द अदर एक्ट्स. और वो अगर आपने आपसे उन्होंने पूछ लिया तो वो एक आप याद रखना, मैं अगर भूल जाऊं बाद में भी शायद नहीं बता होगा, मेंटल हेल्थ एक्ट के ऊपर हल्का सा पढ़ के जाऊं. आपकी ट्रेनिंग में पढ़ाया जाएगा आपको, बट मेंटल हेल्थ एक्ट के ऊपर आजकल आप पढ़ के जाओगे, जितने रीसेंट टॉपिक्स आ रहे हैं आपके, चाहे वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो रेप लॉ से रिगार्डिंग है. और एक चीज और, जहां पे भी आपके डाइवर्जेंट व्यूज है ना, लाइकवाइज आपसे वो पूछना चाहते हैं व्हाट इज योर से विद रिगार्ड टू द मैरिटल रेप शुड बी लीगलाइज्ड और नॉट, यू डू नॉट हैव टू से योर ओन ओपिनियन. रेफर योर ओपिनियन, बेस योर ओपिनियन विद द ओपिनियन ऑफ द जजेस जिनका डाइवर्जेंट ओपिनियन आए. अपनी चीजें नहीं बोलनी है. आप ये कह सकते हो दैट इट मे बी लीगलाइज इफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द लेजिस्लेचर कंटेंट्स टू डू सो, ठीक है. आप अपना ओपिनियन ना देना. अगर वो फिर भी स्ट्रेस करते हैं तो आप कहना आई मे गो विद द ओपिनियन ऑफ सो एंड सो जज, ठीक है. ये आपने देखना है उसके हिसाब से. दूसरी चीज, आप जब भी वहां पे कुछ भी ऐसा बोलोगे तो पहले तो आप अपनी हॉबीज पे ध्यान रखना. हॉबीज जब आप फॉर्म में भरोगे तो हॉबीज ऐसी हों जो कि बहुत सिंपल सॉबर हॉबीज हों आपके, ठीक है. म्यूजिक का अगर बोल दिया तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी. म्यूजिक में कौन सा म्यूजिक, उसके रिगार्डिंग आपको कितनी नॉलेज है. क्रिकेट बोलते हो ना आप लोग, वो पूछते हैं आपके स्टेडियम के बारे में मेजरमेंट्स, बॉल की मेजरमेंट्स, आपकी सारी चीजों की मेजरमेंट्स. तो मतलब यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग. सो ऐसे ही रैंडमली मत बोलना. हाँ जी, जैसे बच्चे होते थे ना तब आप बोलते होते थे, लिखते थे हॉबीज क्या, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है. एंड इफ यू सेड कि यू यूज्ड टू बी दी इन द मूड एंड मूड में आपने बहुत कुछ किया, तो फिर वो सारा प्रैक्टिकल पूछेंगे कि कैसे मूड कंडक्ट होता था, कौन कंडक्ट कराता है, कैसे होता है, वो सब कुछ भी. फिर उसके डाइस के रिगार्डिंग का डायमीटर, देन कितने लोग कैसे आते हैं वो भी पूछा जाता है. सो मेक श्योर हॉबीज शुड बी वेरी सिंपल. इवन इफ यू आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग इट एज कुकिंग, तो कुकिंग में भी बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस, ठीक है. एंड द बेसिक क्वेश्चन दैट वाज बीइंग आस्क्ड आई थिंक 3-4 इयर्स बैक वाज कि अगर सपोज करो दाल में नमक ज्यादा डल गया तो व्हाट विल यू डू. वो देखो देखो, सी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है ना, तो वो थोड़ा ध्यान रखना उस वैरायटी ऑफ ऑप्शन में. मतलब वो बेसिक सवाल पूछेंगे आपसे बट बहुत कम. हॉबीज पे आपको जरूर घुमाएंगे. दूसरा, आप अपना एक बहुत ऑनेस्ट आंसर फ्रेम कर लेना और हमसे चेक करवा लेना. व्हाई यू वांट टू बिकम अ जज, ये मत कहना आई हैव अ ड्रीम एंड माय पेरेंट्स हैड दिस ड्रीम एंड दिस एंड दैट. वो नहीं है कुछ भी, वो सबका होता है. सब लोग चाहते हैं कि आप एक गवर्नमेंट सिक्योर्ड जॉब में जाओ. ऑनेस्ट जाओ ना, दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड अ सिक्योर्ड जॉब. और वो सिक्योर्ड जॉब क्या है, गवर्नमेंट से अच्छी तो कोई भी सिक्योर्ड जॉब नहीं है. प्लस इट्स अ वेरी हाई प्रेस्टिजियस जॉब. बी ऑनेस्ट विद देम, ठीक है. आप कहोगे कि नहीं आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, वो तो एडवोकेट्स भी करते हैं, वहीं पे नेगेटिव, ठीक है. तो एडवोकेट्स भी करते हैं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, रादर वो ज्यादा अच्छे से करते हैं. तो इसके कारण ये चीजें मत बोलना, ऑनेस्ट रहना. बट ये ड्रीम ड्रूम की बात नहीं करनी है, बहुत सिंपल सॉबर आंसर देना एक लाइन का. अपने ट्रेड्स बता सकते हो, जज के जो ट्रेड्स हैं उसके साथ वो ट्रेड्स देख सकते हो कि वो मैच करते हैं. कंपैशनेट ग्राउंड्स पे आप लोग भी सोचते हो. और ये भी मत बोलना जो बच्चे बोलते हैं आई वांट टू कंट्रीब्यूट अ बिट ऑफ माइन टुवर्ड्स दिस जुडिशरी, तो वो मत ये कहेंगे कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और हम लोग जजेस क्या कर रहे हैं बैठ के, कुछ भी नहीं कर रहे क्या. तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव. सो मेक श्योर यू फ्रेम इट इन अ वेरी सिंपल सॉबर मैनर. एंड अदर क्वेश्चन दैट मे बी वुड बी योर एरिया ऑफ प्रेफरेंसेस, कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज करना चाहते हैं. अभी तो बोला मैंने सिक्योर जॉब है, ठीक है. हाँ, गवर्नमेंट सिक्योर जॉब है एंड एवरीबॉडी एस्पायर्स टू हैव दीज सिक्योर जॉब्स एंड एवरीवन एस्पायर्स टू हैव एंड अचीव हायर ड्रीम्स एंड हायर एस्पिरेशंस इन लाइफ एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस जॉब. जॉब सिक्योरिटी, हाँ तो ठीक. तो IAS IPS हैं तो उसके अंदर, सॉरी इंटरवेंशन की भी बात नहीं है बच्चे. ये है कि दैट सिंस द बिगिनिंग व्हेन यू टुक एडमिशन इनटू लॉ यू ऑलवेज वांटेड टू एस्पायर टू बी अ जज बिकॉज ऑफ योर कंपैशनेट ट्रेट्स
एंड इट्स नो डाउट कि आपके पास आईएएस की जॉब्स हैं, यूपीएससी की जॉब्स हैं, आपके पास एडीए की जॉब्स हैं, उससे भी ले सकते हो, बट देन एडीए भी गवर्नमेंट जॉब है नो डाउट, बट हायर एस्पिरेशंस तो नहीं है ना। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप हमेशा हायर पोस्ट पे पहुंचने की एस्पिरेशंस रखते हो सिंस द बिगिनिंग, होता है ना, तो वो एक नॉर्मल है। हार्डली मैटर्स, इट्स गुड फॉर यू पीपल बिकॉज आप मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस जब पढ़ते हो तो इट इज वेरी गुड। इफ अ पर्सन हुज हैविंग बीएससी एंड एलएलबी, तो अनदर गुड ऑप्शन इन लॉ। हाँ जी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ जाओ, आपके एरिया ऑफ प्रेफरेंसेस, क्या सोचा हुआ है, क्या बोलना है, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट आर्ट, ओके, मुस्लिम लॉ, हाँ जी, ये दोनों, ठीक है, एविडेंस, ठीक है। अब इन्होंने चार बोले, अब चारों से क्वेश्चंस देखना कैसे आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। शी सेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट में व्हाट इज अ क्लेटन्स रूल, अब आपने जो सेकंड बोला ना, एंड इट वाज गिवन इन डिवांस केस, व्हाट वाज डिवांस केस एंड इन व्हिच, इन दिस केस व्हाट वाज बीइंग हेल्ड प्रॉपरली, आपने काउंटर क्वेश्चन अट्रैक्ट करना मत करना, ठीक है, आप वहीं पे रुक जाओगे कि एप्रोप्रिएशन का अपोर्शनमेंट का क्लेटन रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इट, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू अ पर्सन फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड वेयर ही कैन अप्रोच टू फाइल अ सूट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Under which provision you will move to the court? For specific performance. For breach of contract. Breach of section 73. Okay. Read with which section? Anji, anything that you want to add? If a suit for damages has to be filed and the damages are arising out of immovable property, ab hint de diya, then? Section 16. अब आ गए इसमें मुस्लिम लॉ पे। मुस्लिम लॉ में अगर पैनल पे ऐसे जस्टिस बैठे हुए जिन्होंने मुस्लिम लॉ की जजमेंट्स के ऊपर मास्टरी कर रखी है तो है प्रॉब्लम, ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उस पर डायरेक्ट थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बट वेदर अंडर अ मुस्लिम पर्सनल लॉ अडॉप्शन कैन बी गिवन और अडॉप्शन कैन बी डन by a Muslim women? No, Muslim law does not recognize the concept of adoption, but an acknowledgement can be made by the father, only this option can be done. But so can a Muslim woman adopt a child? Yes, but under JJ Act. Only under JJ Act, not under Muslim personal law. There can be an acknowledgement of paternity. Yes. Muslim women can acknowledge the paternity. Father. So the question is, can a Muslim woman adopt a child? What is sadqa and what is zariyat? You need to revise. But those are simple questions. Aman sir, evidence bola aapne. What is res ipsa locator? बोले कुछ तो बोल। यस, गुड मॉर्निंग रमन, गुड मॉर्निंग। आई होप जो तूने मुझसे कल पूछा था उसमें क्लैरिटी हो रही है रमन तेरे को। गुरप्रीत एंड धीरजा, यू राइट योर फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा चल छोड़। व्हाट इज रेस जस्टाई? क्या
नेक्स्ट इज देयर एनी एक्सेप्शन टू हियरसे? नेम देम. व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन? Whether the doctrine of necessity is applicable in India under the dying declaration? Sure. Doctrine of necessity, which means that a dying man will not die with a lie on his lips. Is this applicable in India? हाँ ये झूठ है. Supreme Court has reiterated several times that this scenario is not applicable in our Indian culture. Chalo. We are talking about India, and you are to become judges in India, not outside India. So we have to follow Indian culture. Anji, family law pe aa jaye. What are the grounds to be considered while granting a divorce under irretrievable breakdown of marriage? Are there any guidelines that has been laid down? शिल्पा शैलेश पढ़ना है उसको, ब्रशन अप कर लो. ठीक है. हाँ जी शिल्पा शैलेश, और एनी गाइडलाइंस रिगार्डिंग आईबीएम? यस मैम, अंडर द शिल्पा शैलेश केस द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स इनहेरेंट पावर इन द आर्टिकल 142 कैन आल्सो ग्रांट डिवोर्स इन द केस ऑफ इररिट्रिएबल ब्रेकडाउन एंड इवन इफ व्हेन देयर इज अ व्हेन द अदर पार्टी रिफ्यूजेस देन आल्सो सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट डिवोर्स. अब आ जाओ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर. आपने जो अपने सब्जेक्ट्स चूज किए दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी सारी इंटरलिंकेड सीपीसी के साथ और आपके अलग सारे सिविल प्रोविजंस के साथ आएगी, तो वो अब ध्यान रखोगे. ठीक है. अभी जो आपने एसआरए के साथ लिंक किया था दैट इज टू बी लिंक्ड लेटर ऑन. ठीक है. क्वेश्चन को समझना है. क्वेश्चन में पूछा गया था अंडर विच सेक्शन द सूट विल बी फाइल्ड, रेड विद कौन सा बताओगे, तो आप ये बताओगे कि सेक्शन 9 आपने बोलना ही था सीपीसी का, जो आपने मेरे पूछने पे बोला, तो वो साइमल्टेनियसली होगा दैट 73 का सूट मेंटेनेबल है बट एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 बिकॉज इट हैज टू बी प्रूव्ड दैट इट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर. ठीक है. अब इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे. डोंट थिंक कि आपके साथ वो सिर्फ मुस्लिम लॉ पे ही पूछेंगे या आपके साथ वो जो सब्जेक्ट्स आपने बोले हैं वो पूछेंगे. यू मस्ट बी वेल वर्स्ड विद द अदर लॉ सब्जेक्ट्स आल्सो, लाइकवाइज प्रोसीजरल लॉज. प्रोसीजरल लॉज में अगर मैं बात करूँ क्रिमिनल में, तो आपको जो नए प्रोविजंस भी आए हैं उसके बारे में हल्की सी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है. जीरो एफआईआर के प्रोविजंस हैं, जो एफआईआर में चेंजेस आए हैं, इन चीजों के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए. यस यस, लेकिन बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, बिकॉज दे नो कि अब उसमें बोल भी देते हो कि सॉरी सर, सॉरी मैम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट एंड आई एम अनेबल टू रिकॉल एज ही सेड, उससे कोई फर्क नहीं है, वो नेगेटिव नहीं जाएगा. ज्यादा आंसर देने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आपको नहीं आता वहाँ पे सिंपल लिखो दैट आई एम अनेबल, बोलो कि आई एम अनेबल टू रिकॉल इट, सॉरी सर, सॉरी मैम. ठीक है. 75% आपको आता होगा. ठीक है. आपने उसको डिलीवर कैसे करना है वो देखना है. 20-25% नॉर्मली किसी को भी नहीं आता होगा, तो इसलिए पैनिक नहीं करना कि हमें नहीं आया और इंटरव्यू 5-10 मिनट का ही चला. ऐसा कुछ नहीं है. वो सिर्फ आपकी स्किल्स देखेंगे, आपकी वॉकिंग स्किल देखेंगे, आपके बैठने का तरीका, हाउ यू विल बी एबल टू मैनेज द स्ट्रेस जो आपको डाइस पे बैठ के होगा, वो सारी चीजें वो उस टाइम पे देखेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके ब्रेन का टेस्ट ऑलरेडी कर दिया और वो मेंस के उनके पास मार्क्स पूरे होंगे आपके पास, जो आपको नहीं दिखेंगे बट उनके पास वहां पे सारा कुछ होगा कि कितना आपने सिविल में और कितना आपने क्रिमिनल लॉ में स्कोर किया, सब कुछ उनके पास रहता है.
ठीक है, तो जो भी चीज बोलोगे वो कट शॉर्ट में बोलना, लेकिन इतना भी मत कर देना कि आप मीनिंग ही ना दे पाओ। आपका होम टाउन हिसार है ना? हिसार, ठीक है, तो ये और हिसार है तो वहां पे सारा कुछ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है क्या वहां पे, और सारी चीजें हैं क्या, तो वो आप देखना, सारा कुछ आएगा वहां पे, आपका पूछा जाएगा, आपका भी सर पूछा जाएगा, बॉर्डर एरिया पे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, बहुत क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखियो, तो वो चेक कर लेना आप। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चंस, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द चेंजेस इटसेल्फ, नथिंग एल्स, डिफॉल्ट बेल के चेंजेस यस पढ़ने पड़ेंगे, रमन समझा दूंगी तेरे को मैं बाद में आराम से, अभी आई डू नॉट हैव द बेयर एक्ट, ठीक है, बेयर एक्ट होगा तो They may ask you the hometown also, so it's better you write the hometown and in the brackets district. ऐसे ही करना, hometown लिखना अपना और brackets में district लिखना, और अगर district और वो दोनों same ही है तो फिर तो आप simple अपना लिखोगे एक area। अब आ जाओ questions, questions जो आएंगे आपको वो आपको CRPC, CPC बहुत सारे में से आएंगे। आज थोड़े से basic questions discuss करेंगे जो आपको पता होंगे, फिर थोड़े से technical पे shift करेंगे। जैसे पहले अगर वो आपसे पूछे सीआरपीसी में, आईपीसी और इस सब में, तो आपसे क्वेश्चंस वो ये पूछ सकते हैं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड विड्रॉल ऑफ चार्ज, ठीक है, वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ चार्जेस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन बिफोर द चार्ज फ्रेमिंग, आफ्टर द चार्ज फ्रेमिंग, ये तो ऑन टिप्स होना चाहिए आपके पास, आपका इंस्टेंट आंसर आएगा, या तो एक्विटल होगा या डिस्चार्ज होगा, ठीक है। देन इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ट्रायल्स एंड समन्स ट्रायल, वारंट और समन्स में वो नहीं पूछ सकते क्योंकि वो नॉर्मली आपको पता है, ठीक है, समरी अच्छा आया था, समरी ट्रायल एंड समन्स ट्रायल ऐसे में कुछ आप लोग पूछ सकते हो उनसे, या वो आपसे, सॉरी आप नहीं, वो आपसे पूछेंगे सारा कुछ। दूसरी चीज, सीआरपीसी के अंदर जो आपका इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है पूरा का पूरा, विद ऑल द प्रेपोजिशनल क्वेश्चंस दे विल बी आस्क, दे विल गिव यू वन प्रेपोजिशन, दे विल आस्क यू, एज अ जज यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू विल डू, एंड जनरली वो आपकी मॉक इंटरव्यूज में भी हम पूछेंगे आपसे, तो प्रेपोजिशनल क्वेश्चंस पे थोड़ा सा फोकस करना कि कैसे होगा, अगर एक एक पर्सन है ए, वो कोई क्राइम कमिट कर रहा है और आप जो हो वहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, कैन यू अरेस्ट दैट पर्सन, ये आ गया अरेस्ट के ऊपर। इसके बाद इसके साथ साथ अरेस्ट वारंट भी दोगे आप उसको, क्या अगर उसने कॉग्निजेबल किया तो आपको अरेस्ट वारंट देने की जरूरत है या नहीं देने की जरूरत है, कि सीधा उसकी एफआईआर होगी, और अगर एफआईआर होती है हु विल बी द इन्फॉर्मेंट, वेदर यू एज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स विल बी द इन्फॉर्मेंट, समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रही हूँ। ये क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना अरेस्ट वाले, ये तो आपको पता है, बट वेदर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन बी एन इन्फॉर्मेंट एज पर एन ओल्ड सीआरपीसी 154, यस और नो, ठीक है, एनी पर्सन लिखा है ना वहां पे, सो इवन अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इलाका मैजिस्ट्रेट कैन ऑल्सो बीन इन्फॉर्मेड, और वो चाहेगा तो उसके बाद जब इलाका मैजिस्ट्रेट ने कर दिया, उसके बाद अकरेंस रिपोर्ट क्या होती है, एनी वन वॉट इज एन अकरेंस रिपोर्ट, बाय द पुलिस ऑफिसर रिगार्डिंग, The report contains only a declaration that I have received so and so information and I will be proceeding to the spot. That report is known as occurrence report provided under old CRPC under which section? And within how many days an action taken report is to be sent to a Ilaka magistrate? Action taken report, status updated report. 15 days? What if the IO has refreshed his memory by looking into the case diary? Whether the adverse party gets the right to cross-examine the IO on the same? No? You are saying? So the answer is yes. Yes. The moment IO has refreshed his memory by looking into the case diary, the other party has got the right to cross-examine the IO on the basis of the case diary. As a matter of right, can we do so? No. What is case diary?
What is 172? See, the question is what is case diary? You are saying 172. मैंने ये नहीं पूछा under which section the case diary has been mentioned, है ना? So, अब आपने answer करना है. What is case diary? Under what circumstances an inquest report is prepared by a judicial magistrate? Under 174. And what about 176 inquest report? Sorry? Custodial death. Yes, custodial deaths ke cases mein. When a woman has died under suspicious circumstances within 7 years of marriage, and in that cases, it is the duty of the inquest. Kaun prepare karta hai? Hai na? 174 or 176 ke beech ka difference? 176 mein. Either ways, right? So it may be the judicial magistrate or the executive magistrate. अब इसके साथ साथ पीछे वापस अगर हम आए सीआरपीसी में ही आए तो सीआरपीसी के अंदर वो ये पूछते हैं कि वेदर द हाई कोर्ट हैज द पावर टू ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और / फ्रेश इन्वेस्टिगेशन. फ्रेश, यस. Whether High Court has the power to order fresh investigation? Yes. Which case? Sakiri Basu. Or case? Batao jaldi. Bache landmark cases ko prepare kar lena. Aapke notes mein sab kuch provided hai. Koi Malviya ka case tha kya kuch? क्या हो गया? सीआरपीसी पढ़ा है ना? चलो वापस आ जाओ. वेदर कोर्ट ऑफ सेशन हैज द पावर टू ऑर्डर फ्रेश इन्वेस्टिगेशन. आकाश, आर यू श्योर? तू ऐसे ऐसे कह रहा है, आर यू श्योर? वेदर कोर्ट ऑफ सेशन हैज द पावर टू ऑर्डर फ्रेश इन्वेस्टिगेशन? वेयर इट हैज बीन प्रोवाइडेड? सकीरी वासु में इंसिलरी पावर्स हैं, वो पावर्स 156(3) की पावर्स हैं. फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की पावर जनरली कोर्ट ऑफ सेशन पे वेस्ट नहीं करती, वो आपके हाई कोर्ट में वेस्ट करती है. अगर ऐसा कुछ होगा तो कोर्ट ऑफ सेशन ही सब कुछ करवा देगा. फिर उसके लिए आपको हाई कोर्ट अप्रोच करना पड़ता है. मैंने फ्रेश बोला, फर्दर नहीं बोला यहाँ पे. उसमें फर्दर बोला था, या देखा करो ना क्वेश्चन क्या पूछा है, उस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है. और ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं. आपकी ये जो हरी भाई वाली केस है, वीनू भाई वाला केस, इसके अंदर प्री कॉग्निजेंस पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेजेस भी यूज की गई हैं. वो क्यों नहीं आप लोग पढ़ के जा रहे हो? उसको पढ़ के जाना कि प्री कॉग्निजेंस के बाद पोस्ट कॉग्निजेंस में क्या वो दे सकते हैं. व्हेनेवर एन ऑर्डर हैज टू बी पास्ड विद रिगार्ड टू 156(3), इज इट एन ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्री कॉग्निजेंस और पोस्ट कॉग्निजेंस? ठीक है, सपोज यू आर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, you have passed an order for investigation, theek hai, and that investigation is after the complaint, provided the complaint cognizance has not been taken. Whether that investigation is 156(3) ki investigation or 202 ki investigation? Yes, Abhishek. 156(3), of course, yes. Theek hai, इसके ऊपर केस है, प्लीज पढ़ के जाना. आप लोग यही केसेस में सब कुछ दिया है आपके वीनू भाई में, प्री कॉग्निजेंस पोस्ट कॉग्निजेंस. ठीक है, ये चीजें लिख लेना कहीं पे, ये आएंगी आप लोगों को. इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे बच्चे, ये ध्यान रखना. वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछेंगे आप लोगों से. व्हाट वाज हेल्ड इन सुखपाल सिंह खैरास केस? द मेन पॉइंट ऑफ सुखपाल सिंह खैरास केस आफ्टर हरदीप सिंह जजमेंट, टेल मी. Whether to? Or एक main point that you are missing. Anyone online? Very good, Raman.
हाँ जी एनीवन, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एनीवन। वेरी गुड, थोड़ा लाउड बोल बच्चों को। Very good. Main context was this, that after the reservation of the judgment, but before the pronouncement of the judgment, during that stage, whether additional prosecution can be sought or aa sakti hai ki nahi, the answer is yes to it, provided it has been laid down in Sukhpal Singh Khehra's case. Earlier, sara kuch aapki Hardeep Singh ki judgment hai uske upar. Yes. And they may order separate trials also. In case if they feel that it will delay or embarrass the trial, they may order separate trial as well. ये सारी चीजें तो अभी हमने इन्वेस्टिगेशन के कुछ पार्ट से पूछे। नाउ अनदर थिंग इज, इफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और अ पुलिस ऑफिसर, जैसे उसने समन्स निकलवाए, सो इफ अ पुलिस ऑफिसर हैज टू सर्व अ समन्स इन केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड देर इज नो मेल पर्सन अवेलेबल, कैन दो समन्स बी सर्व्ड टू अ फीमेल पर्सन इन द फैमिली? इन द न्यू एक्ट दे कैन बी, बट इन द ओल्ड एक्ट no, only an adult male member. ठीक है, what about CPC? any adult member, they may be male or female. ठीक है, ये already मैंने कराया हुआ आप लोगों को, तो ठीक, very right. अब के बाद आ जाओ आप लोग, under which section the restoration is ordered for abducted females under the old CRPC? Sure, 97? 98. 98. 97 is habeas corpus. याद है? सबको जिन्होंने अभी पढ़ा नहीं है, खैर वो बाद में, बट इन लोगों को तो आ ही रहा होगा ऑनलाइन। रमन 98 है, 97 बहुत इजी था, क्यों पूछूं मैं वो? चलो वापस आ जाओ आप, अभी तो सीआरपीसी का मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, इसके अलावा आपको बेल में क्वेश्चंस बहुत आएंगे, ठीक है? एंटीसिपेटरी बेल पे शायद आ जाए, बट व्हाट इज सेम डे बेल कॉन्सेप्ट, इन व्हिच केस द सेम डे बेल कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड, एंड व्हाट इज सेम डे बेल कॉन्सेप्ट? आइडिया? पढ़ा नहीं? यस माय सेवियर्स, हाँ, तीन चार ही हैं ये जिन्होंने सीआरपीसी लगा रखी है। वेरी गुड, इट इज सोमित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, मार्कंडे काटजू जस्टिस हैज कॉइंड दिस टर्म सेम डे बेल कंसेप्ट व्हिच इज इनॉगुलस टू एंटीसिपेटरी बेल इटसेल्फ, क्योंकि यूपी में आपका एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन स्टेट नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं लगते, तो सेम डे बेल कंसेप्ट है आपका एंटीसिपेटरी बेल ही। Under what circumstances an anticipatory bail be claimed? Under what circumstances an anticipatory bail be claimed? ये mains के question है, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो interview में क्या बोलोगे? So is it a pre-arrest procedure? Is it providing a complete blanket immunity from arrest? No. What was held in Gurbakhsh Singh Sibiya's case and what was, why it was challenged in Sushila Agarwal? I asked a question, dhyan se suna, aapka naam? Vishali. Vishali, maine pucha, what was held in Gurbakhsh Singh Sibiya's case and why it was challenged in Sushila Agarwal? You said Sushila Agarwal में यही held हुआ, अब बताओ क्या था? What was held in Gurbakhsh Singh Sibiya's case? हाँ जी, सेम चीजें रिटरिएट हुई है Sushila Agarwal में भी, जो टाइम लिमिट, हाँ तो बच्चे वही तो बोलना है ना कि इट वाज हेल्ड इन गुरबख्श सिंह सिबिया'स केस दैट देयर शुड नॉट बी एनी टाइम लिमिट फॉर एन एंटीसिपेटरी बेल, आइदर इट हैज बीन ग्रांटेड टिल द फुल और अंटिल द फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, एंड दिस वाज द सेम क्वेश्चन वाज चैलेंज्ड दैट इट शुड बी टाइम फ्रेम्ड,
टाइमलाइन व्हिच वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लार्जर बेंच को रेफर हुआ था सुशीला अग्रवाल आपको सेकंड टाइम। अब आ जाओ आगे। यस, अब सीआरपीसी था, चलो थोड़ा सा पूछा। इसमें से आपको कस्टडी के ऑर्डर्स आएंगे 451 से लेके जो डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी वाले ना इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, उसके ऊपर क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। इररेगुलरिटीज के ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं आपके, ठीक है? तो इररेगुलरिटीज में देख लीजिएगा कि कहां पे कॉग्निजेंस इट हैज नॉट बीन टेकन, वेदर इट विल विशिएट द ट्रायल और नॉट। जैसे आपने 460 और 461 में पढ़ रखा है तो 190 एक ए है, बी है और सी है, तो उसमें से यस, तो वहां पे विशिएट होगा या नहीं होगा वो आप वहां पे ही लर्न करके जाओ। यस, ठीक है, वो चीजें वहां पे प्रोवाइडेड है। देन इफ आई आस्क अ क्वेश्चन विद रिगार्ड टू लिमिटेशन, राइट, वेदर द लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दिस शुड बी योर आंसर डायरेक्ट। यस, अब इसका आंसर सुनो। As a general rule, there is a specific chapter provided under the CRPC which deals with the limitation. However, the schedule attached with the Limitation Act is applicable to the Criminal Procedure Code. So answer yes नहीं होगा, direct नहीं होगा, ना आपने yes बोला ना आपने no बोला, क्योंकि yes no में बच्चे वो आपके लिए एक frame कर लेंगे mindset कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है? तो question का answer उसी तरीके से normally देना। अब इसके बाद आ जाओ आप लोग वापस सीपीसी पे, प्रोसीजरल लॉज डिस्कस कर रहे हैं ना। प्रोसीजरल लॉज में अगर मैं बात करूं सीपीसी के ऊपर, ठीक है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सेट ऑफ, लीगल सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन लीगल सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ? अभी इन्होंने पढ़ा नहीं है तो दे मे नॉट आंसर। हाँ जी, बाकी वॉट इज द डिफरेंस? It may not be legally recoverable. If nothing which is legally in recoverable, then how can you file a suit? And why in an equitable legal set of, equitable set off, court fees is not being paid? Why? Where you've read it? No, it's not about mixing the points, but the court fee point should not be mentioned. The only difference is that in legal set off there is always an ascertained sum of money, and in equitable set off it may be ascertained, it may be unascertained, but the recovery should be legally recoverable. Under which provision an equitable set off has been provided? Sub rule 3 and the word otherwise. From the word otherwise we derive this is an equitable set off. Set off is always a right, of course it's a right of a defendant, and in that case because they are being treated as two separate suits, so for set off he will be considered as plaintiff. As a matter of fact, yes, this is the difference. ठीक है, चलो equitable set off के provisions आप लोग लिख लेना साथ के साथ, और legal set off आपको notes में भी मिलेंगे, notes पढ़ लेना अगर मेरे लिए चाहिए नहीं तो। इसके बाद आ जाओ आगे, ये एक concept था, अब आ जाओ concept under what circumstances a counter claim is claimed or at what stage the counter claim can be claimed. नहीं पूछूंगी टेंशन ना लो। किस स्टेज पे काउंटर क्लेम क्लेम कर सकते हैं? अप टिल व्हाट स्टेज? बिफोर द फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट। सपोज द टाइम फॉर द रिटन स्टेटमेंट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल दैट टाइम, एंड इवन आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट,
as a general rule, no. But otherwise, if we make an application of Order 6, Rule 17, and the court allows that amendment of pleading, then yes. ठीक है, तो इसका आंसर कट शॉर्ट में ऐसे ही तीनों चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके दोगे. इसके ऊपर केस भी है कोई? केस को पूछेंगे नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ. है क्या कोई, याद है कोई नोट्स में लिखवाया हुआ? चलो, है केस इसके ऊपर, वो बाद में डिस्कस करेंगे. अच्छा, आगे आ जाओ. कैन यू एक्सप्लेन ब्रीफली द थियोरी ऑफ डीम्ड एडमिशन? Under which provision the theory of deemed admission has been provided? Order A2. ठीक है. What is theory of deemed admission? और simplify कर देती हूँ. Whether the theory of deemed admission is applicable to the plaintiff as well? Whether the theory of deemed admission is applicable to the plaintiff as well? क्या करवाया था किसने? फिर वो डीम्ड एडमिशन नहीं है ना बच्चे, वो बोलते रहिए अज्यूम ट्रवर्स, रुक जा. दैट मीन्स वेदर द थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन इज एप्लीकेबल टू द प्लेंटिफ, यस और नो? श्योर नहीं है, देख sure nahi hai na. The answer is no. It is specifically applicable to the defendants. Order 8 rule 5 of the CPC deals only with the defendants. Admission ki theory us pe lagti hai. Theek hai. Whether replication and rejoinder is a rule? Whether replication and rejoinder is a rule? No, it's an exception. What are pleadings then? What are pleadings? Plaint and the written statement. Then what are application and rejoinder? Subsequent pleadings. Okay. And what is replication? What is rejoinder? Or rejoinder is rejoining the things. So literal sense में ना जा मंजोत. हाँ. फिर तूने पढ़ रखा है मेरे ख्याल से ये इतना. है ना? Replication is reply to the additional part taken in the written statement. And rejoinder is a reply to replication itself. Yaad rahega? Then, what are the remedies available if your plaint gets rejected? What are the remedies available if the plaint gets rejected under Order 7, Rule 11? Okay. I can also go under an appeal. Okay. So these are the two remedies that are available. One is an appeal, as it is treated as a deemed decree. Another is you can file a fresh plaint. Means, सुन लो, mains के paper में भी आया था ये. ठीक है, इतना easy question. चलो आगे. If ध्यान से सुनना, if the court fees has not been paid at first instance, can this be a ground of rejection of plaint prima facie? Yes or no? No, you are saying. The plaint will be rejected. If the plaint has not been rejected and the insufficient court fees has not yet been paid, can you still as a court pursue the case? Yes. Yes. And then when, at what time the court fees is recoverable? During the continuance of the suit and even after the completion of the suit, when the court will order the cost. So in that case also court fees will be taken. If the plaint has disclosed a cause of action but it was not a clear
cause of action, rather it was a cryptic cause of action. Can a plane be rejected on the said ground? Order 7, Rule 11, Sub Rule A, Clause A. But it says when it does not disclose a cause of action. I said I have disclosed, but it is a cryptic cause of action. उसके अंदर रिटर्न नहीं करेगा बच्चे, ऑब्जेक्शन रेस करेगा और कहेगा करेक्शन करके लेके आओ, ठीक है? हाँ, यस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मतलब व्हाट इज डेमरर्स क्लेम? बार्ड बाय लॉ, हाउ? प्रिविलेज इन द सेंस. बच्चे ऑल्टरेशन नहीं करता वो उसमें. संदीप, डेमरर्स क्लेम. एनीवन, पढ़ाया नहीं है अभी तक मैंने, आई नो, बट स्टिल. ऑर्डर 7, रूल 11, सब रूल 2, डी डील्स विद डेमरर्स क्लेम. डेमरर क्लेम हियर मींस व्हेन द प्लेंट कंटेन्स अ पैरा रिलेटेड टू लिमिटेशन एंड इट इज पर से बार्ड बाय लॉ, देन द प्लेंट विल बी रिजेक्टेड प्राइमा फेसा. ठीक, समझ में आया? डेमरर्स क्लेम, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हैं, बट डेमरर्स क्लेम पे वो पूछते हैं. अनदर क्वेश्चन इज, ये आता होगा आप लोगों को, आप आंसर देना. वेदर रेस जुडिकाटा अप्लाइज ऑन एरोनियस डिसीजन ऑफ लॉ. Whether res judicata applies upon erroneous decision of law. Yes, Subjot. तो बेसिक क्वेश्चन का आंसर सही दे रही है, बट बहुत लेमैन वाली लैंग्वेज, समझ रही है? थोड़ा सा इम्प्रूव होगा तो शायद वो इंटरव्यू वाली लैंग्वेज में आएगा. एरोनियस डिसीजन ऑफ लॉ पे कल ही आपको पढ़ाया है शायद मैंने, तो इसके हिसाब से रेस जुडिकाटा लगता है कि नहीं लगता? यस. अगर आप ये देखो ना, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन का ही लैग हो गया तो आपकी वो डिक्री void ab initio since the beginning है ही है, तो subsequent suit maintainable है, res judicata का question arise नहीं होगा. But if it had the subject matter jurisdiction, also pecuniary and territorial jurisdiction ना भी हो, लेकिन आपका failure of justice नहीं हुआ है, then on a subsequent suit res judicata will apply. Yes, the decision will be there. Even if it is rightly and wrongly decided, it will apply. Yes, yes, the efficacious remedy is appeal. Suppose another question. There is this husband and wife. This husband wants to contract a second marriage with W1. The wife, the first wife, approaches the court for seeking injunction. Whether in such a situation, injunction by the court shall be granted. Version of punishment, both for a time should be there.
adoption is not available. मैंने क्वेश्चन पूछा था वेदर एन इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड और शैल पे फोकस भी किया था. सो एन इंजंक्शन एज अ जनरल रूल मे नॉट बी ग्रांटेड डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. इफ द कोर्ट ग्रांट्स इट स्टिल देयर कैन बी अ सिविल डिसोबीडियंस टू द इंजंक्शन एंड ही कैन एंटर इनटू अ सेकंड मैरिज. So the better effective remedy available is to prosecute him for bigamy if he contracts a second marriage. Aapne bola bigamy, but at that time whether he entered into a second marriage. Theek hai? As it has been provided under section 41 clause H, section H of Specific Relief Act. Aise bologe. Straightforward questions hain, to straightforward answer do. Unko mauka mat do ki aapki kamiyan dhoond sake wo is cheez ki. Samajh mein aa raha? अगर अब मैं बात करूं अगेन योर सीपीसी, तो सीपीसी के अंदर अभी तो हमने एक ही ऑर्डर के ऊपर ही डिस्कशन किया, ऑर्डर 8 पे रूल 5 पे चले गए या कुछ. वेदर रेस जुडिकाटा अप्लाइज ऑन एक्स पार्टे डिक्री, नो ओल्ड स्टूडेंट विल आंसर, इट इज ओनली फॉर द इंटरव्यू स्टूडेंट्स. हाँ जी, वेदर रेस जुडिकाटा अप्लाइज ऑन एक्स पार्टे डिक्री, यस. Order 8 rule 10. Yes, answer. That in case if it will be considered that it has been decided on merits, then res judicata will apply. As he said, in limine nahi honi chahiye. So if it is in limine, then res judicata will not apply. Okay. Is there any difference between res judicata and estoppel? Yes, Vishali. Taking cognizance of trying the case anytime. Stop the trials on. Estoppel is a question of fact. Yes, res judicata is a question of. Coming next. What do you understand by theory of assumed traverse? मेरा favorite question. रटवाना है तुम्हें. वो पूछे ना पूछे, मेरी duty है तुम्हें learn कराना है. हाँ जी. मेरे favorite question पे अटक गई तुम. हैं? हाँ जी अमन सर. Please answer the question. Deemed denial by my plaintiff. ज़्यादा concise नहीं बोल रहा है, मुझे words डालने पड़ रहे हैं उसमें, filling the blanks छोड़ रहा हूँ उनके लिए. हैं? हाँ. Plaintiff had denied all the allegations that has been additionally added in the written statement. What is theory of avoidance and confession? What is theory of avoidance and confession? CPC में ही है, तुमने नहीं पढ़ा, तुम लोग इतने ऐसे मुझे मत देखो, ठीक है, नहीं पढ़ाया, इन्होंने तो पढ़ाया. चलो और इजी पूछता हूँ. Whether the bar provided under order 2 rule 2 is applicable upon simultaneous release or not? Do not answer. Only the interview students. हाँ जी. Very good, Raman. Good, Dheerja. हाँ जी. क्या क्वेश्चन पूछा मैंने अभी? भूल गई. हाँ, order to rule 2 का बार simultaneous release पे लगता है? रेनू तो revise कर रही है CPC.
लगता है कैसे? साइमल्टेनियस रीफ पे रेजिडिटी काटा लगता है? कंसीक्वेंशियल रीफ्स पे रेजिडिटी काटा लगेगा फिर? आई मीन ऑर्डर टू रूल टू लगेगा क्या? क्यों? Can you give any example of consequential relief? If you're saying it is dependent upon the other. Okay. Under what circumstances a person, means the plaintiff, can institute a suit where the defendant resides, carries on business, personally works for gain in regard to immovable property? Section 16? टेक्निकल लैंग्वेज क्या है इसकी एंड द लॉ लैंग्वेज इसके अलावा? इन एडिशन टू इट, दैट इज अ मैक्सिम दैट यू आर सेइंग दैट इट इज बेस्ड अपॉन दिस मैक्सिम, बट व्हाट इज एक्चुअली द प्रोविजो? यस मुस्कान, ये तो हमने नाम दिया है। आई एम सेइंग वेयर इन द प्रॉपर्टी इज बीइंग हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट एंड ही हैज टू पर्सनली ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, देन द प्लेंटिफ कैन फाइल अ सूट एट द प्लेस वेयर ही रिजाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस एंड पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। पर्सनल ओबीडियंस इज अ टर्म दैट वी हैव गिवन, बट वो पर्सनल ओबीडियंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसकी एक्सप्लेनेशन इज इन दिस लैंग्वेज। So where the property is held by or on behalf of defendant, तभी करोगे ना। If a corporation has a sole office and the cause of action has arisen at some other place, where the suit can be filed? At the sole office only? I have said only the sole office. Why not at the place where cause action has arisen? C नहीं कहता cause of action? मेरे बच्चे, so both the places, ठीक है? दोनों जगहों पे लगेगा आपका cause of action plus the sole office. दीर्जा sole office के साथ आपका लगेगा, रमन गलत ना बोला कर, sole office के साथ साथ तेरा 20C के साथ cause of action भी तो दिया मैंने। एविडेंस एक्ट में भी था कनुप्रिया। डोंट एक्सपेक्ट दिस कनुप्रिया इज मी हु इज गिविंग और फेसिंग एन इंटरव्यू, कुछ टाइम पहले भी हुआ था, ठीक है? आई एम गाइडिंग यू फॉर एन इंटरव्यू, नॉट गिविंग एन इंटरव्यू। हाँ जी कनुप्रिया, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? कॉन्स्टिट्यूशन। तुम्हें कैसे पता मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है? मेरा, मैंने तो नहीं बोला मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरी पीएचडी है। हाँ तो वो इंक्लिनेशन है, फेवरेट तो आजकल सारे हैं मेरे। हाँ जी लिख दो आप, चलो। हाँ चलो वापस सीपीसी पे। सीपीसी में अभी दो तीन क्वेश्चंस मैंने ऑर्डर टू और इनके पूछे, अब आ जाओ आप। व्हेन देयर कैन बी अ जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द प्लेंटिफ्स कैन बी जॉइंड? हाँ संदीप, यस थोड़ा सा सही बोला। हाँ तीन सर्कमस्टांसेस, jointly, severely, in the alternative they can be joined together, when it is in the series of the same transaction, and whatever you have stated, okay? Same question. Yes. Ab
under what circumstances the court may order separate trial, and whether the order by the court of separate trials is always by way of an application by parties, or can court exercise its power as suo motu. Suo motu kar sakte hain, theek hai. Under what circumstances the court may order separate trials? When they are going to embarrass or delay the trial. Theek hai. Under what circumstances a revision will lie, and to which court revision will lie? Yes, so there are three jurisdictional errors. On those three jurisdictional errors, aapka revision will lie. Whether revision will lie against an interlocutory order? Sure. Whether order 6 rule 17 is an appealable order? Sure. This is, you should be sure about that also. It has been provided clearly under order 43 rule 1. Theek hai? Can a court remand back the case on hearing the preliminary issues itself? Yes or no? Yes. Which rule? 23A or 23? Dono mein remand hai. One is on the preliminary ground, another is on after that. So 23A is after that. Theek hai? Rule 23. Good. Iske baad, on what facts issues will be framed? Ye to bahut easy hai. And what would be the consideration for the court while framing the issues? What the court will consider that on this particular fact the issue should be framed? When there has been assertion and denial, then only the issues will be framed. If the court has summoned the party concerned, and in the summons it has been mentioned that on so and so date there will be the disposal of the suit at first hearing, both the parties have to make an appearance. The parties made an appearance, and on that day itself the court could not dispose of the suit. Can any one of the parties file or may go in for filing any representation against the said court before the higher court? Yes or no? No? Why? Because it has been specifically mentioned under order 8 rule 5, order 5 rule 8 and rule 5, that in these cases agar disposal diya hai to disposal ki zarurat nahi hai ki court usi din dispose of karega hi karega, aur agar us din unhone bola hai ki hum sirf issues frame karenge to us din wo dispose of nahi kar sakta. That is always the prerogative of the court. ठीक है, सो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता. Whether res judicata applies upon obiter dicta, no one else will speak. Whether res judicata applies on obiter dicta, no, actually don't know. Does not apply. Why? समझ में आया क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? ये अभी बेसिक क्वेश्चंस थे आपके, इसमें हमने कुछ भी डीप नहीं पूछा. इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर करने के लिए आपको एक बार अपने नोट्स को गो थ्रू करना पड़ेगा. जब आप वो करोगे उसके बाद ही आप आंसर दे पाओगे. ठीक है, आपके मॉक्स यहाँ नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे, सो मेक श्योर उससे पहले आप एक बार गो थ्रू कर लो. ठीक है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि आपको सब आंसर आने चाहिए, बट एटलीस्ट जो भी बोल रहे हो वो अच्छे से बोलो. कोई डाउट्स हैं जो पूछने हैं तुम लोगों ने?
कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पूछ सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में वो पूछ सकते हैं बहुत कुछ आपके जुडिशरी के रिगार्डिंग, यूनियन जुडिशरी, स्टेट जुडिशरी, आपके बेसिक स्ट्रक्चर, आपके अमेंडमेंट प्रोविजन, आपके फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस और डिस्क्वालिफिकेशंस, एंटी डिफेक्शन लॉ, कुछ भी. कॉन्स्टिट्यूशन इन टोटो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंटरव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आपको अमेंडमेंट्स पता होनी चाहिए और इन अमेंडमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हुई हैं. द पावर ऑफ द गवर्नर विद रिगार्ड टू रिमिशन, अभी जो ऑर्डिनेंसेज या एक्ट्स पास हुए हैं तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर विच हैज बीन एक्सरसाइज बाय द गवर्नर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सो हाउ द गवर्नर एक्सरसाइजेस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, वेदर ऑर्डिनेंस इज अ लॉ इटसेल्फ और नॉट, ये भी आप पढ़ोगे आर्टिकल 13 के साथ रेड बुक करके. क्लियर? सॉरी, हाँ ठीक है. तीनों बिल्स तीनों रीडिंग से गुजरेंगे और आप 108, 109 आर्टिकल्स को भी अच्छे से पढ़ लेना, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर डिसोल्यूशन हुआ है तो डिसोल्यूशन में एक जगह से बिल पास हो चुका है एंड लोकसभा हैज बीन डिसॉल्वड, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट बिल, ये सारी चीजें. देन प्रोरोग्यू क्या होता है, और आपका फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल और आपके ये अप्रोप्रिएशन बिल, ये सारे बिल्स में क्या क्या डिफरेंस है, ये चीजें आप पढ़ के जाना प्लीज. ठीक है, डॉक्ट्रिन्स तो वो पूछेंगे पूछेंगे, साथ में ये भी पूछेंगे. Any questions, online students? Yes, they will ask question. And see, questions बहुत ज़्यादा होंगे. Weightage, I would say कि weightage उस तरीके से वो consider नहीं करेंगे. But अगर आप में से किसी ने भी LLM कर रखी है, तो LLM कर रखी है या pursuing हो, आपको उसका topic पता होना चाहिए और उसके बारे में सब कुछ होना चाहिए. A to Z, सारी चीज़ें. कर रखी है ना तुमने भी, कौन सा टॉपिक था? बस उस पे क्वेश्चंस पक्के हैं इधर से. डेथ पेनालिटी शुड बी अबॉलिश्ड इन इंडिया, शुड नॉट बी. सारा ये ध्यान रखना, ये पूछेंगे दीजा आपसे वो. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट. अब आपको इंटरव्यू में मिलेंगे हम लोग. हाँ जी, हाँ जी, ठीक है बच्चे.